हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। मैं हूँ ऐश्वर्या। तो पीरियड डेट मिस होने के कितने दिन के बाद से आपको टेस्ट करना चाहिए, या फिर क्या परफेक्ट टाइम है प्रेगनेंसी का टेस्ट करने का, जिससे कि आपको जो रिजल्ट है वो सटीक तौर पे आपको पता चले। वेलकम टू आवर चैनल, मैं हूँ ऐश्वर्या। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि पीरियड टेस्ट हम कैसे करेंगे घर पर। तो पीरियड टेस्ट के कई तरीके हैं। पहला, यूरिन टेस्ट के माध्यम से आप अपनी प्रेगनेंसी पता कर सकते हो अगर आपको लक्षण दिख रहे हैं तो, या फिर ब्लड टेस्ट के माध्यम से आप अपनी प्रेगनेंसी पता कर सकते हो, आप सोनोग्राफी के माध्यम से आप अपनी प्रेगनेंसी पता कर सकते हो। लेकिन आम तौर पर जब महिलाएं कंफ्यूजन में रहती हैं कि वो प्रेग्नेंट हैं या नहीं, तो वो यूरिन टेस्ट के माध्यम से ही अपनी प्रेगनेंसी पता करती हैं, जो कि एक सरल उपाय है हर महिलाओं के लिए। लेकिन अब कब करना चाहिए? देखिए, हर महिला अलग अलग है, उनके पीरियड साइकिल भी अलग अलग है। किसी को पीरियड अच्छे से नियमित तौर पर आ जा रहे हैं, तो किसी को पीरियड आने में इशू है, कई बार डेट उनका गड़बड़ रहता है, कई बार आता है कई बार नहीं आता है, ओवुलेशन का टाइम भी सही नहीं रहता है, उनका सटीक नहीं रहता है, तो फिर इम्प्लांटेशन भी सटीक तौर पर उनका नहीं हो सकता है और लक्षण भी वैसे ही लेट से उनको उभरेंगे। और अगर आप जल्दबाजी में प्रेगनेंसी टेस्ट कर लेते हो तो हो सकता है कि आप प्रेग्नेंट होते हुए भी आपका रिजल्ट नेगेटिव शो हो उस टाइम। तो जिनके पीरियड्स रेगुलर हैं, वो अगर उनका, जैसे कि आप एक तारीख को पीरियड आते हो और हर मंथ एक तारीख को ही आ जाते हो, तो उन महिलाओं में ओवुलेशन भी सही तरीके से होगा, उनका सारा सिम्टम्स, इम्प्लांटेशन, फर्टिलाइजेशन, सब कुछ सही तरीके से होगा, तब वो अपना टेस्ट करेंगे। तो जैसे ही उनका पीरियड मिस होता है, अब आपको लगता है कुछ लक्षण आपको दिख रहे हैं प्रेगनेंसी के और आपको लगता है कि हाँ, इस मंथ जो है मैंने कंसीव कर लिया है, तो आपको कम से कम 3 से 4 दिन रुको, उसके बाद अपना टेस्ट कर लो। और जिन महिलाओं का पीरियड बिल्कुल छोटा है, रेगुलर पीरियड से भी छोटा, बिल्कुल अगर बात करें 21 से 25 दिन का है, और उन महिलाओं को ऐसा लगता है कि उन महिलाओं का ओवुलेशन भी जल्दी हो जाएगा, इम्प्लांटेशन भी जल्दी हो जाएगा, पीरियड के सिम्टम्स भी जल्दी दिखने लगेंगे, तो उनको भी जब उनका पीरियड मिस हो जाता है तो 3 से 4 दिन के बाद वो अपना टेस्ट कर सकती हैं रिज़ल्ट जानने के लिए। अब जिन महिलाओं का पीरियड काफ़ी लंबा है, कई कई दिनों के बाद आता है, ठीक है, जैसे कि उनका पीरियड हो सकता है 32-35, इस तरीके से उनके पीरियड साइकिल है, लॉन्ग पीरियड साइकिल है, ओवुलेशन भी लेट से होगा, इम्प्लांटेशन भी लेट से होगा उन महिलाओं में हो सकता है, और हो सकता है कि लक्षण भी थोड़ा लेट ही उनको दिखे शॉर्ट पीरियड साइकिल के कंपैरिजन में, तो उनको कब करना चाहिए? जिन महिलाओं के पीरियड्स में इशू है, लॉन्ग पीरियड साइकिल है, आपका डेट मिस होता है, आप कर सकते हो टेस्ट, लेकिन अगर अभी भी आपके टेस्ट में नेगेटिव रिजल्ट दिख रहा है और लक्षण दिख ही रहे हैं आपको, पीरियड भी मिस हो चुका है, तो और 10 दिन के बाद से आप फिर से टेस्ट करके एक बार देख लो। लेकिन आपको पीरियड मिस होने के 10 दिन के बाद से अगर आप टेस्ट करते हो, यानी 40वें दिन या 41वें दिन, तब हो सकता है कि रिज़ल्ट सटीक तौर पर आपको पता चले। अब आपको पता चल गया होगा कि आपको किस तरीके से टेस्ट करना है। देखिए, आप जब भी यूरिन टेस्ट करती हैं तो यूरिन में आपके जो हार्मोन है HCG हार्मोन, वही आपके प्रेगनेंसी को डिटेक्ट करके उस यूरिन के टेस्ट किट में बताता है कि आप प्रेग्नेंट हो या नहीं। यानी यूरिन में HCG हार्मोन्स का होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये कब होगा? जैसे ही आपका इम्प्लांटेशन होगा, आपके सिम्टम्स उभरने लगेंगे, हार्मोन्स बनने लगेगा, उसमें प्रोजेस्टेरोन HCG हार्मोन्स भी बढ़ता है, और HCG हार्मोन्स जब बनने लगता है इम्प्लांटेशन के बाद, हर दिन वो दुगना होते जाता है। तो जैसे ही उसकी मात्रा बढ़ना शुरू होगा आपके बॉडी में, यूरिन में भी उसका मात्रा आएगा, HCG हार्मोन्स की प्रेजेंस आएगी, तभी वो प्रेगनेंसी डिटेक्ट हो पाएगी आपकी यूरिन के माध्यम से। तो HCG हार्मोन्स जैसे जैसे बढ़ना शुरू होगा, यूरिन्स के माध्यम से आप डिटेक्ट कर पाओगे। इसलिए बोला जाता है कि डेट मिस होने दो, कि कम से कम जो हार्मोन्स है वो अच्छे से अपने लेवल में आ जाए। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट में ज़रूर बताना, अगर मैंने छोड़ दिया इस वीडियो में तो। धन्यवाद।